हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन बाय गीता शर्मा, जहां हर कोई बनेगा डिजाइनर। इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाऊंगी ब्यूटीफुल सी एक साड़ी जो कि मैंने डिज़ाइन की है। मैंने आपको पहले भी दो साड़ियां दिखा दी हैं डिज़ाइन कर, और उनको मैं सेल भी करूंगी, तो उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपने वो साड़ियाँ नहीं देखी हैं। साइड में आप उनकी पिक भी देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके जो बेल आएगी उसको क्लिक कर ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचेगी। देखिए फ्रेंड्स, आपको इन साड़ियों को देखकर आइडिया हो जाएगा कि मतलब हमें कैसे कैसे साड़ी बनानी चाहिए, कितना कितना कपड़ा लेना चाहिए। मान लीजिए आप खरीदते नहीं हैं, जिनको स्टिचिंग आती है, जो बाहर से साड़ियाँ नहीं खरीदते हैं, जिनको स्टिचिंग आती है उनके लिए तो मेरी वीडियोज़ और भी ज़्यादा यूजफुल हो जाएंगी, क्योंकि वो खुद ही कपड़ा खरीद कर साड़ी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये साड़ी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि लाइनिंग वाली साड़ियाँ काफ़ी ट्रेंड में हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था कि लाइनिंग वाली साड़ियाँ, क्योंकि मैंने लाइनिंग वाली कुर्ती बनाई थी तो उसमें दिखाया था मैंने आपको कि साड़ियाँ कितनी लाइनिंग वाली चल रही हैं। मैंने लाइनिंग वाली एक और साड़ी बनाई है, और एक साड़ी मैंने ये बनाई है, एक साड़ी बनाई है मैंने फ्रिल वाली। साइड में आप उसकी पिक देखिए, ये भी मैंने लाइनिंग वाली बनाई थी और काफ़ी ट्रेंडी है लाइनिंग। तो ये वाला कपड़ा है, क्रेप का कपड़ा है, ये ज़्यादा हैवी नहीं है, इसमें जॉर्जेट भी आता है, पर जितना शाइनिंग मुझे लगता है क्रेप के कपड़े में ऐसी लाइनिंग में आती है, उतना जॉर्जेट में नहीं आता। जॉर्जेट जो है हल्का ट्रांसपेरेंट होता है, थोड़ा सा दिखाई देता है उसमें, इसमें जैसे नहीं दिखाई देता। तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, वो खिलकर आता है, काफ़ी काफ़ी खिलकर आता है इसका। तो इसमें कपड़े में ही नीचे की तरफ ऐसे रेड कलर का प्लेन बॉर्डर था, ऐसे रेड कलर का प्लेन ही बॉर्डर था, तो उस पर मैंने ब्लैक चंदेरी वाली लेस लगा दी है। देखिए, ब्लैक चंदेरी वाली मैंने इस पर लेस लगा दी है, और काफ़ी मतलब इस पर पेटल्स बने हुए हैं, और ज़्यादा इस पर लेस पे कुछ नहीं है, पेटल्स बने हुए हैं गोल्डन तार से। देखिए, मैंने पिछली भी वीडियो में आपको बताया था जितनी भी लेसेस हैं ज़्यादातर प्लास्टिक के तारों से बनी होती है, तो आपको इन पर प्रेसिस जो करनी है वो कपड़ा रख कर ही प्रेस करनी है, कोई भी लेस हो चाहे, ये नहीं कोई भी लेस हो, ठीक है। तो ये ऐसी लेस मैंने लगाई है नीचे की तरफ, जहां बलो वाला पूरा पोर्शन है वहां पर मैंने लगाई है, इस तरह से लेस लगाई है। अब मैंने पल्लू इसका, क्योंकि मैंने जो ये वाली लेस है ब्लैक का कॉम्बिनेशन किया है, तो पल्लू जो है मैंने ब्लैक कलर का बनाया है, पूरा ब्लैक फुलका डॉट जो होती है वो वाली नेट है ये, उसका मैंने पल्लू बनाया है। अब पल्लू मैंने पूरा ब्लैक नहीं रखा है, पल्लू के साइड में जैसा मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपनी चुन्नियों का जो अर्ज है बड़ा कर सकते हैं, चौड़ा कर सकते, तो देखिए ये इसमें है, यहाँ पर मैंने इसको चौड़ा ही किया है। जो फुलका डॉट वाली नेट थी इसका जो अर्थ था काफ़ी कम था, तो मैंने क्या किया, 5-5 इंच के ये जॉइंट लगाए रेड कलर के, और उसके ऊपर लेस लगाई है ऐसे। फिर जहाँ पर मैंने जॉइंट लगाया है वहाँ पर भी मैंने इस तरीके से लेस लगा दी है पूरे पल्लू पर, ये दो लेसेस मैंने लगा दी है। नीचे की तरफ भी मैंने पल्लू पर, पल्लू को ऐसे ही एक और पल्लू को बढ़ाने के लिए ऐसे ही 5 इंच का जॉइंट लगाया है, और यहाँ पर भी मैंने लेस लगाई है, ये देखिए। तो पल्लू के दोनों तरफ मैंने ये जॉइंट लगाया है, दोनों तरफ ये जॉइंट है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये देखिए ऐसे। साइड में आप इसकी पिक देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर ये लग रही है। हाँ, इसको बनाने में मेहनत तो लगी है, देखिए जॉइंट भी लगाने पड़े हैं, जॉइंट लगाकर लेसेस लगानी पड़ी हैं, तो मेहनत तो होती है देखिए थोड़ी, पर हाँ रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी ये लगती है साड़ी, ठीक है। नीचे की तरफ जैसा कि मैं टसल्स बनाती ही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये वाली जो टसल्स है ख़राब नहीं होती हैं कभी भी, तो मैं अपने आप ही टसल्स बनाकर लगाती हूँ। मैंने आपको सिखाई है इस तरह की टसल्स, तो मैंने ये लगाया है रेड कलर का कपड़ा लगाया, फिर इसमें ब्लैक कलर के फुंदे लगाए हैं, और दो दो मोती लगाकर
मैंने इसको टाक दिया है, ये भी चार चार पांच पांच इंच हो गई है, मतलब 4-5 इंच की तो हो गई है ये भी, तो लंबाई इससे हम जो है मेरी साड़ी की काफी बढ़ गई है। 2.5 मीटर का लगाया है मैंने पल्लू प्लस टसल्स, क्योंकि टसल्स को हम ऐसा नहीं छोड़ सकते कि हमने 2.5 मीटर का पल्लू करा फिर टसल्स लगाई तो वो ज्यादा बड़ा हो जाता है पल्लू, ऐसे नहीं। 2.5 मीटर में आपकी टसल्स आनी चाहिए, आ जानी चाहिए, मतलब 2.5 मीटर आप नापते हैं। 2.5 मीटर का है मेरा पल्लू और 3 मीटर से थोड़ा फालतू मैंने रखा है नीचे का जो बलो वाला पोर्शन है वो रखा है मैंने 3 मीटर से थोड़ा सा फालतू। अब 2.5 और 3 5.5 हो गया और थोड़ा और फालतू है, 5.5 से भी थोड़ी सी फालतू, यानी कि ये पूरी 6 मीटर की मैंने इसीलिए नहीं रखी है इस कपड़े में, जो ये वाला कपड़ा है पल्लू तो हम 2.5 मीटर का ही रख सकते हैं, 2.5 मीटर से ऊपर नहीं रख सकते हैं, पर ये वाला जो पोर्शन है ना पल्लू जो बलो का है ये बहुत ही ज्यादा वजन हो जाता है इसमें, अगर मैं 3, 3.5 मीटर या 4 मीटर रखती तो वजन के हिसाब से मैंने, जैसे मैं जितनी हेल्थी मैं हूँ उसी हिसाब से मैंने इसको 3 मीटर से थोड़ा सा ऊपर रखा है। और साइड में आप इसकी पिक देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी ये साड़ी लगती है पहनने के बाद, कलर कॉम्बिनेशन इसका रेड एंड क्रीम बहुत ही अच्छा है। अब इसमें रेड जो क्रीम कलर का पल्लू भी मैं जोड़ रही थी पर वो बिल्कुल खिलकर नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसमें मुझे ब्लैक का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगा, और आप जानते ही हैं रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन तो वैसे ही इतना बेस्ट होता है। जो पहले साड़ी की मैंने वीडियो दिखाई थी उस पर भी आपने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है, ढेर सारे मैसेजेस किए हैं, तो अगर आपको ये साड़ियाँ खरीदनी हो या कुछ भी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। इसके साथ जो मैं इसके साथ कोई पेटीकोट वगैरह नहीं आएगा क्योंकि इसके नीचे आप कोई भी डाल सकते हैं, नीचे से दिखेगा नहीं, क्रीम रेड कोई भी डाल सकते हैं। और इसके लिए ब्लाउज का कपड़ा देने वाली हूँ मैं, ये 1 मीटर से कम है, 80 सेंटीमीटर होगा ये, तो क्योंकि अर्ज काफ़ी बड़ा है कपड़े का तो इसमें से इजीली जिसका जितनी भी चेस्ट का चाहेंगे आप ब्लाउज निकल जाएगा, तो मैं ये देने वाली हूँ। साड़ियों पर कैसे कैसे आप प्रेसिंग करें या कैसे कैसे आप उनको रखें उसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ, जिस वीडियो को मैं डालूंगी अपने दूसरे चैनल ब्लॉग्ड बाय गीता शर्मा पर, क्योंकि सिलाई से जुड़ी जो बहुत ज़रूरी जानकारियाँ होती है ना मैं उनकी वीडियो बनाकर वहीं डालती हूँ। यहाँ पर कटिंग स्टिचिंग भी दिखाती रहती हूँ आपको मैं, और डिज़ाइनिंग भी दिखाती रहती हूँ कि आप ऐसे बनाइए ऐसे बनाइए, तो यहाँ पर आप ये सीखते रहिए, वहाँ पर आप नॉलेज जो है सिलाई से जुड़ी वो लेते रहिए और अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखते रहिए। तो फ्रेंड्स 5.5 से ऊपर की ये साड़ी हो गई है पूरी लेंथ विद टसल्स, क्योंकि टसल्स को हमें अलग नहीं छोड़ना है, प्लस ब्लाउज बिल्कुल अलग से है इसमें, ब्लाउज मैं हमेशा ही बिल्कुल अलग से रखती हूँ। नेट की साड़ियाँ मैं 6-6.25 मीटर की रखती हूँ, 6 तो रखूँगी ही, अगर मुझे 6.25 नहीं रखनी है तो 6 तो मुझे रखना ही है। और ऐसे कपड़े की जो साड़ियाँ हैं वो मैं 6 से थोड़ा बहुत कम रखती हूँ क्योंकि वजन नहीं होना चाहिए इसीलिए। तो फ्रेंड्स ये साड़ी मैं देने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये की, जो कि ज़्यादा महंगी नहीं है, 1000 रुपये की साड़ी, 1000-1200 रुपये की साड़ी तो जो प्रिंट की होती है ना, प्रिंट में आती है वो मिलती हैं अब, क्योंकि मैं मम्मी के लिए साड़ी लेने गई थी और मैं इतनी परेशान हुई क्योंकि मम्मी के लिए लेने गई थी, हम तो डिज़ाइन की साड़ियाँ पहनते हैं, मैं मेरी सिस्टर्स वगैरह सब भाभियाँ वगैरह सब डिज़ाइन करते हैं साड़ी तब पहनते हैं, बट मम्मी जो है प्रिंट की साड़ियाँ पहनती है तो उनके लिए भी मैं प्रिंट का कपड़ा लाकर ही बनाती हूँ। पर उस दिन हमें दुकान से ख़रीदने में गई तो बिल्कुल इतनी महंगाई मार्केट में है जिसका कोई हद नहीं है, हमें कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी, और वैसे भी जो टेलर होता है तो उसे किसी की सिलाई पसंद नहीं आती, और जो खुद अपने कपड़े सिलता है उसे किसी की सिलाई की हुई किए हुए कपड़े पसंद नहीं आते, ये तो सभी जानते हैं। अगर आपको ये साड़ी लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी साड़ियाँ या कुछ भी मैं बनाऊँगी उनकी पिक्स वगैरह वहीं डालूंगी, जो प्राइस वगैरह है वो भी मैं वहीं यहाँ भी बता दूंगी और वहाँ भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये 1200 रुपये की है ये साड़ी, और जो पहले साड़ियाँ हैं उनके प्राइजेस भी मैंने इंस्टाग्राम पर ही बता दिए हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है फैशन बाय गीता शर्मा, आप मुझे वहाँ फॉलो कीजिए और वहीं पर मुझे मैसेज कीजिए अगर आपको ख़रीदनी है, पर लेकिन यहाँ पर मैसेज कीजिए कि आपको कैसी लगी ये साड़ी और कैसी लगी ये वीडियो जो मैंने इतनी मेहनत की है। आप एक मैसेज, आपको ख़रीदनी नहीं है तो आप एक मैसेज ज़रूर कीजिएगा,
कि भाई हाँ हमें अच्छी लगी है या नहीं लगी है, या कलर कॉम्बिनेशन में ये कमी है, ये करना चाहिए था, तो मुझे सब चीज़ों के आइडिया भी दे दीजिएगा आप, क्योंकि जब आप आइडिया देते हैं तो मुझे भी कुछ नया ही सीखने के लिए मिलता है। और साड़ी की लुक आपने देख ही ली है, बहुत ही प्यारी है। जिनको ये साड़ी खरीदनी होगी उनको व्हाट्सएप नंबर दूंगी मैं एक, आप मुझे मुझसे व्हाट्सएप पर बात करेंगे, जब तक आपका कोई भी पार्सल आप तक नहीं पहुंच जाएगा तो हम व्हाट्सएप पर बात करते रहेंगे कि मैंने भेज दिया है या जो भी है। जब आपको आपका पार्सल मिल जाएगा, बस ये कीजिए आप, जब आपको आपका पार्सल मिल जाएगा तो आप मुझे एक छोटी सी वीडियो बनाकर उसी टाइम देनी है आपको कि आपका पार्सल पहुंच गया है और आपको कैसा लगा है, बस ये जरूर बताना है, जिससे कि फीडबैक मिलता रहेगा मुझे भी कि कोई चीज़ की कमी है तो मैं उसको और भी बेटर करती रहूंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया और अच्छा डिज़ाइन लेकर। आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए वो भी, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय फ्रेंड्स, बाय।